बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो ड्रमस्टिक पकोड़ा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 9 अदद ये ड्रमस्टिक ले ली है। अब हम इसको कट लगा लेंगे। सबसे पहले कट हमने लंबाई में इस तरह से लगाने, ये देखें, और इसी तरह से तमाम स्टिक को कट लगा लेंगे। एक टेबलस्पून पेपरिका, एक टेबलस्पून नमक, एक टीस्पून सुरख मिर्च, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून चाट मसाला, एक टेबलस्पून ये चिली सॉस ली है, एक टेबलस्पून सोया सॉस और एक अंडे की सफेदी इस्तेमाल करेंगे। तमाम मसाला चिकन के ऊपर लगाएंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और अंडे की सफेदी। मसाले को चिकन पर अच्छी तरह से मल देंगे। नमक मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी चिकन को 2 घंटे के लिए लहसुन सिरके और नमक के पानी में भिगो के रख दिया था ताकि चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। अब इस चिकन को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। कोटिंग के लिए 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून ये मकई का आटा है वो मैं शामिल कर रही हूँ, इससे क्रिस्पीपन आता है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे बैटर को। अब चिकन को इस तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से ये देखें, अच्छी तरह कोटिंग मैंने कर ली है। अब इसको एक साइड पे रखते जाएंगे और इसी तरह तमाम चिकन को कोटिंग कर लेंगे मैदे। देखिए इस तरह से दबाना है, हल्के हल्के हाथ से हमने दबाना है। कोटिंग करते जाना और दबाते जाना। ये देखिए ये अच्छी तरह से कोटिंग हो गई चिकन में। चिकन पे देखें मैंने हर जगह अच्छी तरह से कि ये कोटिंग कर ली है मैदे की, ये देखें अच्छी तरह से। अब इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन डाल के फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रह जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका चिकन अंदर तक पक जाए और कच्चा ना रहे तो हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए, इस तरह से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। और कवर करके फिर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये चिकन हमारा गोल्डन हो गया, ये देखें। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह तमाम चिकन को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।